हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक नई जानकारी के साथ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अंजनी पुत्र हनुमान जी एक कुशल प्रबंधक थे। मन, कर्म और वाणी पर संतुलन यह हनुमान जी से सीखा जा सकता है। ज्ञान, बुद्धि और विद्या और बल के साथ ही उनमें विनम्रता भी अपार थी। सही समय पर सही कार्य करना और कार्य को अंजाम तक पहुँचाने का उनमें चमत्कारिक गुण था। आइए जानते हैं कि किस तरह उनमें कार्य का संपादन करने की अद्भुत क्षमता थी जो आज के मैनेजर्स और कर्मठ लोगों को सीखनी चाहिए। इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हनुमान जी ने बचपन से लेकर अंत तक सभी से कुछ ना कुछ सीखा था। कहते हैं कि उन्होंने अपनी माता अंजनी और पिता केसरी के साथ ही धर्म पिता पवन पुत्र से भी शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने शबरी के गुरु ऋषि मतंग से भी शिक्षा ली थी और भगवान सूर्य से उन्होंने सभी तरह की विद्या ग्रहण की थी। इससे हमें हनुमान जी से यह सीखने को मिलता है कि हर व्यक्ति में सीखने की लगन होनी चाहिए। कार्य में कुशलता और निपुणता। हनुमान जी के कार्य करने की शैली अनूठी थी, साथ ही वे कार्य करने में कुशल और निपुण थे। उन्होंने सुग्रीव की सहायता हेतु उन्हें श्री राम से मिलवाया और राम की सहायता हेतु उन्होंने वह सब कुछ अपनी बुद्धि कौशल से किया जो प्रभु श्री राम ने आदेश दिया। वे कार्य में कुशल प्रबंधक थे। हनुमान जी ने सेना से लेकर समुद्र को पार करने तक जो कार्य कुशलता व बुद्धि के साथ किया वह उनके विशिष्ट मैनेजमेंट को दर्शाता है। राइट प्लानिंग, वैल्यूज और कमिटमेंट। हनुमान जी को जो कार्य सौंपा जाता था पहले वह उसकी प्लानिंग करते थे, फिर उसे इम्प्लीमेंट करते थे। जैसे श्री राम ने लंका भेजते वक्त हनुमान जी से यही कहा था कि यह अंगूठी श्री सीता जी को दिखा कर कहना कि राम जल्दी ही आएंगे, परंतु हनुमान जी जानते थे कि समुद्र को पार करते वक्त बाधाएं आएंगी और लंका में प्रवेश करते वक्त भी वह जानते थे कि क्या होने की संभावना है। उन्होंने कड़े रूप में रावण को राम का संदेश भी दिया, विभीषण को राम की ओर खींच लाए, अक्षय कुमार का वध भी कर दिया और माता सीता को अंगूठी देकर लंका भी जला डाली और सकुशल लौट भी आए। यह उनकी कार्य योजना का हिस्सा था। बुद्धि के साथ सही प्लानिंग करने की उनमें गजब की क्षमता थी। हनुमान जी का प्रबंधन क्षेत्र बड़े ही विस्तृत, विलक्षण और योजना के प्रमुख योजनाकार के रूप में जाना जाता है। हनुमान जी के सिद्धांत बताते हैं कि डेडिकेशन, कमिटमेंट और डिवोशन से हर बाधा पार की जा सकती है। लाइफ में इन वैल्यूज़ का महत्व कभी कम नहीं होता। लंका पहुँचने से पहले उन्होंने पूरी रणनीति बनाई। असुरों की इतनी भीड़ में भी विभीषण जैसा सज्जन व्यक्ति उन्होंने ढूंढ लिया और उससे मित्रता की और सीता माता का पता लगाया। भय फैलाने के लिए लंका को जलाया, विभीषण को प्रभु राम से मिलाया। इस प्रकार पूरे मैनेजमेंट के साथ काम को अंजाम दिया। हनुमान जी का चौथा गुण था दूरदर्शिता। यह हनुमान जी की दूरदर्शिता ही थी। इन्होंने सहज और सरल वार्तालाप के अपने गुण से कपिराज सुग्रीव से श्रीराम की मैत्री करवाई और बाद में उन्होंने विभीषण की श्रीराम से मैत्री करवाई। सुग्रीव ने श्रीराम की मदद से बाली को मारा तो श्रीराम ने विभीषण की मदद से रावण को मारा। हनुमान जी की कुशलता एवं चतुरता के चलते ही यह सब संभव हो पाया था। हनुमान जी का पांचवा गुण था नीति कुशल। राजकोष व पराई स्त्री को प्राप्त करने के बाद जब सुग्रीव ने श्रीराम का साथ छोड़ दिया था, परंतु हनुमान जी ने उसे चारों विधियों साम, दाम, दंड, भेद नीति का प्रयोग कर श्रीराम के कार्यों के प्रति उनकी जिम्मेदारी और मैत्री धर्म की याद दिलाई। इसके अलावा ऐसे कई मौके थे जब हनुमान जी को नीति का प्रयोग करना पड़ा था। हनुमान जी मैनेजमेंट की यह सीख देते हैं कि अगर लक्ष्य महान हो और उसे पाना सभी के हित में हो तो हर प्रकार की नीति अपनाई जा सकती है। उनका छठा गुण था साहस। हनुमान जी में अदम्य साहस था। वे किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से विचलित हुए बगैर दृढ़ इच्छा शक्ति से आगे बढ़ते गए। रावण को सीख देने में उनकी निर्भीकता, दृढ़ता, स्पष्टता और निश्चिंतता अप्रतिम थी। उनमें न कहीं दिखावा था न छल कपट, व्यवहार में पारदर्शिता थी, कुटिलता नहीं। उनमें अपनी बात को कहने का एक नैतिक साहस था। उनके साहस और बुद्धि कौशल व नीति की प्रशंसा तो रावण भी करता था। हनुमान जी का सातवां गुण लीडरशिप। हनुमान जी श्रीराम की आज्ञा जरूर मानते थे, परंतु वह वानर यूथ थे, अर्थात वह संपूर्ण वानर सेना के लीडर थे। सबको साथ लेकर चलने की क्षमता श्रीराम पहचान गए थे। कठिनाइयों में जो निर्भयता व
और साहसपूर्वक साथियों का सहायक और मार्गदर्शक बन सके, लक्ष्य प्राप्ति हेतु जिसमें उत्साह और जोश, धैर्य और लगन हो, कठिनाइयों पर विजय पाने, परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर लेने का संकल्प और क्षमता हो, सबकी सलाह सुनने का गुण हो, वही लीडर बन सकता है। उन्होंने जामवंत से मार्गदर्शन लिया और उत्साहपूर्वक रामकाज किया। सबको सम्मानित करना, सक्रिय और ऊर्जा संपन्न होकर कार्य में निरंतरता बनाए रखने की क्षमता भी कार्य सिद्धि का सिद्ध मंत्र है। हनुमान जी का 8वां गुण, हर परिस्थिति में मस्त रहना। हनुमान जी के चेहरे पर कभी चिंता, निराशा या शोक नहीं देख सकते थे, वह हर हाल में मस्त रहते थे। हनुमान जी कार्य करने के दौरान कभी गंभीर नहीं रहे, उन्होंने हर कार्य को एक उत्सव या खेल की तरह लिया। उनमें आज भी सबसे अनिवार्य मैनेजमेंट क्वालिटी है कि वे अपना विनोदी स्वभाव हर सिचुएशन में बनाए रखते थे। हम सबको याद है कि जब हनुमान जी लंका गए तब उन्होंने मदमस्त होकर खूब फल खाए थे और बगीचे को उजाड़ कर अपना मनोरंजन भी किया था और साथ ही रावण को संदेश भी दे दिया। इसी तरह उन्होंने द्वारिका के बगीचे में भी खूब फल खाकर मनोरंजन किया था और अंत में बलराम का घमंड भी चूर कर दिया था। उन्होंने मनोरंजन में ही कई घमंडियों का घमंड तोड़ दिया था। हनुमान जी कैसी भी परिस्थिति में कैसे भी हों, भजन कर रहे हों या कहीं आसमान में उड़ रहे हों या फल फूल खा रहे हों, परंतु उनकी नज़र अपने शत्रुओं पर रहती थी। विरोधी के असावधान रहते ही उसके रहस्य को जान लेना, शत्रुओं के बीच दोस्त खोज लेने की दक्षता विभीषण प्रसंग में दिखाई देती है। उनके हर कार्य में थिंक और एक्ट का अद्भुत कॉम्बिनेशन था। हनुमान जी का 10वां गुण, हनुमान जी महासर्वशक्तिशाली थे। हनुमान जी ने लंका को उजाड़ा, कई असुरों का संहार किया, शनिदेव का घमंड चूर चूर किया, पौंड्रक की नगरी को उजाड़ दिया था, भीम का घमंड चूर किया, अर्जुन का घमंड चूर किया, बलराम का घमंड चूर किया और संपूर्ण जगत को यह जता दिया था कि वे क्या हैं, परंतु उन्होंने कभी भी खुद विनम्रता और भक्ति का साथ नहीं छोड़ा था। रावण से भी विनम्र रूप में ही पेश आए थे तो अर्जुन से भी, सभी के समक्ष विनम्र रहकर उन्होंने समझाया था, परंतु जब वे नहीं समझे तो प्रभु की आज्ञा से ही अपना पराक्रम दिखाया था। यदि आप टीम वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिर भी एक प्रबंधक का विनम्र होना बहुत जरूरी है, अन्यथा उसे समझना चाहिए कि उसका घमंड भी कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।